फिरोजाबाद के गांव विलासपुर से लापता महिला का शव सूरजपुर के समीप नहर से पुलिस ने लाश को बरामद किया है। मायका पक्ष के लोगों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना जसराना पुलिस ने सूरजपुर के निकट नहर से पूनम नामक महिला की लाश बरामद की है। मायका पक्ष के लोगों की माने तो 27 मार्च से महिला गाँव विलासपुर से लापता हुई थी। पति दिनेश पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। लगभग 6 बजे के आसपास 112 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना सिरसागंज में जायमे के पास नहर में एक महिला का शव मिला है। मौके पर थाना प्रभारी मेरे द्वारा विजिट किया गया। विजिट के दौरान ये पता चला कि मृतका का नाम पूनम वाइफ ऑफ दिनेश यादव जिनकी शादी जसराना थाना क्षेत्र में हुआ था और रहने वाली नसीरपुर की है। और इसके भाई ने सूचना दिया था। बॉडी को रिकवर करके और पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम में तो भेजा जा रहा है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि मृतका पूनम के संबंध में एक गुमशुदगी कल रात को थाना जसराना में पंजीकृत किया गया था। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या बात हो गई थी? घर में झगड़ा फगड़ा हुआ था। क्या मालूम क्या झगड़ा हुआ, हमको तो मालूम पड़ी है बाद में जब घर से ही गायब कर दी। तब कब से ये गायब थी और ये कहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली है? 27 तारीख को 10 बजे गायब हुई है घर से, 10 से या 12 बजे के बीच में। अच्छा। और डेड बॉडी मिली है ये सिरसागंज ये सुखावाल वाली रोड में, रोड नहर में। कौन सी? जयमी के बीच में।